स्वागत है। चलिए बात करते हैं आज की एंटरटेनमेंट से जुड़ी बुलेटिन का। सुपरस्टार रजनीकांत को मिली अस्पताल से छुट्टी, डॉक्टरों ने दी है खास सलाह। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत को कुछ दिन पहले ब्लड प्रेशर में समस्या के चलते हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब खबर है कि सुपरस्टार रजनी की हालत पहले से बेहतर है, उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अपोलो अस्पताल ने रजनीकांत के स्वास्थ्य की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीर समस्या नहीं है। डॉक्टरों की तरफ से सलाह दी गई है कि अभी के लिए रजनीकांत किसी भी तरह का प्रेशर ना लें। उन्हें तनाव से दूर रहने के लिए कहा गया है। वहीं उन्हें घर से बाहर कम से कम जाने की सलाह भी दी गई है क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी जारी है। बिग बॉस फेम पवित्रा पुनिया के पापा की तबीयत खराब, शूटिंग छोड़ दिल्ली गई एक्ट्रेस। बिग बॉस फेम पवित्रा पुनिया को शूटिंग बीच में छोड़ तुरंत दिल्ली जाना पड़ा। दरअसल उनके पापा गिर गए जिसकी वजह से उनकी स्थिति गंभीर है, उन्हें मेडिकल सुपरविजन में रखा गया है। पवित्रा के पब्लिस्ट ने इस खबर को कंफर्म किया है। पवित्रा की बात करें तो वो शो बिग बॉस में नजर आई थी। शो में उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, वो अपना स्टैंड लेती दिखी थी, लेकिन शो में उनकी जर्नी ज्यादा चली नहीं। बिग बॉस से बाहर आने के बाद उन्होंने शो बालवीर की शूटिंग शुरू की। इस शो में वो नेगेटिव किरदार में है। फैंस को उनके वैम का अवतार काफी पसंद आता है। एक्स बॉयफ्रेंड से फ्लाइट में टकराई न्यूली वेड गौहर खान को शार्क टंडन बोले हाय किस्मत। एक्ट्रेस गौहर खान का जैद दरबार संग निकाह हो गया है। निकाह के दो दिन बाद ही एक्ट्रेस काम पर निकल गई। वो रविवार को लखनऊ शूट के लिए गई। इस दौरान वो फ्लाइट में अपने एक्स बॉयफ्रेंड कुशाल टंडन से टकरा गई। कुशाल टंडन ने सोशल मीडिया पर 3 वीडियो शेयर किए हैं। वीडियोस में कुशाल और गौहर साथ में बैठे नजर आ रहे हैं। वीडियो शेयर करते हुए कुशाल ने लिखा कि एक हसीन इत्तेफाक, शादी मुबारक गौहर खान। एक साल की हुई सलमान खान की भांजी आयत, पिता आयुष शर्मा ने लिखा इमोशनल नोट। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने 27 दिसंबर को अपना 55वां जन्मदिन मनाया, तो वहीं उनकी भांजी आयत का पहला जन्मदिन भी इसी दिन था। साल 2019 में सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा और उनके पति आयुष शर्मा के घर आयत का जन्म हुआ था। आयत अर्पिता का सलमान को बर्थडे गिफ्ट थी। अब आयुष शर्मा ने बेटी के पहले बर्थडे पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि जन्मदिन मुबारक हो आयत, तुमको हमारे जीवन में आए हुए एक साल हो गया है, तुम हमारे जीवन में बहुत सारा प्यार और खुशी लेकर आई हो। आयुष शर्मा की बात करें तो उन्होंने सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म लव यात्री से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था और जल्दी वह कैटरीना कैफ की बहन इसोबेल के साथ फिल्म क्वाथा में नजर आएंगे। अर्शी ने विकास को नींद से जगाया। बिग बॉस 14 के घर में जब से अर्शी खान और विकास गुप्ता ने एंट्री ली है, दोनों के बीच तकरार देखने को मिल रही है। दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बढ़ रही, उनके बीच की लड़ाई हर दिन नया रूप ले लेती है। एक बार बहस इतनी बढ़ गई कि विकास ने अर्शी को पानी में धक्का कर दे दिया, जिसकी वजह से उन्हें घर से निष्कासित किया गया। और अब अर्शी ने मजाक में विकास गुप्ता को नींद में से जगाया। हालांकि विकास गुप्ता को ये पसंद नहीं आता है, वो काफी गुस्सा होते हैं। उन्हें अर्शी का ये मजाक पसंद नहीं आता है, वो अर्शी पर चिल्लाने लगते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें हाई बीपी है। विकास कहते हैं मेरी आज तबीयत ठीक नहीं, मुझे हाई बीपी है और तुम क्या कर रही हो गंदी औरत, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, तुम्हें इन सब पापों की सजा मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो रखिए अब हर खबर पर अपनी नजर इंडिया हॉट टॉपिक्स के साथ और देखते रहे देश भर के लेटेस्ट अपडेट्स। यदि आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।